व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अनिल बैक विद अनदर न्यू वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों को रेस्ट पीरियड टाइम बिटवीन एक्सरसाइजेस या फिर सेट कितना रखना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सारा कुछ डिस्कस करेंगे, कैसे आप लोग अपनी मसल ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ के लिए कितना रेस्ट लेना है, गेनिंग के लिए कितना रेस्ट लेना है आप लोगों को, मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए कितना रेस्ट लेना है, एवरीथिंग अबाउट रेस्ट पीरियड टाइम बिटवीन एक्सरसाइजेस आज इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो गाइस, बहुत सारे लोगों का यही सवाल रहता है कि अगर हमें मसल ग्रोथ करनी है तो हमें कितना रेस्ट पीरियड टाइम बिटवीन एक्सरसाइजेस रखना चाहिए। आप लोगों को मिनिमम 60 to 90 सेकंड का रेस्ट पीरियड टाइम बिटवीन एक्सरसाइजेस रखना चाहिए, या फिर आप लोग 10 से 12 रेपिटेशन लगाते हैं तो इतना रेस्ट पीरियड टाइम रखना है, 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड का एक सेट जब आप लोगों का ख़त्म होता है उसके अंदर, तो आप लोगों की मसल ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी अगर आप लोग 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट पीरियड टाइम बिटवीन एक्सरसाइज लेंगे मसल ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर आप लोगों को स्ट्रेंथ गेन करनी है या फिर आप लोगों का कोई मसल वीक है और उसको आप लोगों को जल्दी से ग्रो करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मसल इम्बैलेंस की दिक्कत होती है ना, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर स्ट्रेंथ गेन करनी है तो आप लोगों को 1.5 मिनट से लेके कम से कम 2 से 2.5 मिनट का रेस्ट पीरियड टाइम बिटवीन एक्सरसाइजेस रखना चाहिए, जिसके अंदर आप लोगों के रेपिटेशन रेंज रहेंगे 6 से 8, जो कि स्ट्रेंथ गेनिंग करने के लिए हम लोग रेपिटेशन लगाते हैं, जिसके अंदर ठीक ठाक वेट हम लोग उठा लेते हैं। अगर आप लोगों को मोर स्ट्रेंथ गेन करनी है तो उसके अंदर आप लोगों का 3 से 5 मिनट का रेस्ट पीरियड टाइम बिटवीन एक्सरसाइजेस भी हो सकता है। गाइस, अब यहाँ पे बात करते हैं अगर आप लोग मसल एंड्योरेंस ट्रेनिंग, हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग या फिर सर्कल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर आप लोगों को रेस्ट पीरियड टाइम बिटवीन एक्सरसाइजेस कितना रखना चाहिए। तो आप लोगों का इसके अंदर रेस्ट पीरियड टाइम थोड़ा कम ही रहता है, बिकॉज आप लोगों के रेपिटेशन रेंज थोड़े से हाई रहते हैं, जिसके अंदर हमारा मसल एंड्योरेंस होता है, मसल के अंदर डेफिनेशन लाने के लिए हम लोग इन एक्सरसाइजेस को, इन ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हैं। तो उसके अंदर आप लोगों का रेस्ट पीरियड टाइम बिटवीन एक्सरसाइजेस 30 to 40 सेकंड या फिर 50 सेकंड का रहता है। तो अगर आप लोगों को मसल एंड्योरेंस करनी है, हाइपरट्रॉफी एक्सरसाइज करनी है, तो उसके अंदर 30 to 45 सेकंड रेस्ट पीरियड टाइम बिटवीन एक्सरसाइजेस आप लोगों का होना चाहिए। एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है एटीपी के कारण, ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर रेस्ट पीरियड टाइम बिटवीन एक्सरसाइजेस ना के बराबर ही होता है, या फिर 10 सेकंड का ले सकते हैं, 20 सेकंड का ले सकते हैं, उससे ज़्यादा ना ही ले तो आप लोगों के लिए बेटर है। तो गाइस, ये थी फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट रेस्ट पीरियड टाइम बिटवीन एक्सरसाइजेस, आप लोगों को कितना लेना चाहिए, मसल ग्रोथ कितने रेस्ट पीरियड टाइम में होती है, रेपिटेशन रेंज कितने होते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए कितना रेस्ट पीरियड टाइम लेना है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए आप लोगों को कितना रेस्ट रखना है, एंड एरोबिक एक्सरसाइजेस के लिए कितना रेस्ट रखना है, एवरीथिंग अबाउट आई थिंक कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गया होगा। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों को मसल इंबैलेंस की दिक्कत है तो उसके अंदर भी आप लोगों को रेस्ट पीरियड टाइम बिटवीन एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू योर मसल्स रखना होता है। मसल्स के बारे में बात करूँ तो बड़े जो मसल्स होते हैं, जैसे हमारा चेस्ट मसल हो गया, बैक मसल हो गया, हमारे थाई मसल हो गया, इसके अंदर आप लोगों का रेस्ट पीरियड टाइम हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इंस्टीड ऑफ शॉर्ट मसल्स के मुकाबले, स्मॉल मसल्स के मुकाबले, जैसे आपका बाइसेप हो जाएगा, ट्राइसेप हो जाएगा, आपका शोल्डर हो जाएगा, ठीक है, आपके ट्रैप्स हो जाएंगे, आपके काम मसल्स हो जाएंगे, आपके फोर आर्म्स हो जाएंगे, इसके अंदर 1 से 1.5 मिनट का टाइम आप लोगों के मसल की ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। अगर आप लोगों को गेनिंग करनी है, ओबियसली वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो ये कुछ फंडा है स्मॉल और बिग मसल्स का, तो इसके अंदर आप लोगों को इस हिसाब से अपना रेस्ट पीरियड टाइम बिटवीन एक्सरसाइज रखना चाहिए। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक में शेयर जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे सीधा डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर एंड बाय।